हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारी प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज और इसमें हम लोग फिलहाल देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बेसिकली बात किया था और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रियल एक्सचेंज रेट के बारे में, नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बारे में और बेसिकली कन्वर्टिबिलिटी वगैरह के बारे में देखेंगे कि कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और फिर कुछ हम लोग और टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए अवेलेबल हैं। यू कैन यूज दीज कोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह के बारे में, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में देखा था, फिर हम लोगों ने इसके डिस्कशन की थी, फिर हम लोगों ने देखा था करंट अकाउंट में क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या कुछ है, टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सचेंज रेट से रिलेटेड डिस्कशन। तो एक्सचेंज रेट के बारे में मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में ही एक आइडिया दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है ऊपर देखिए आई बटन बन के आ रही है, काइंडली उस बटन को पहले क्लिक करके फर्स्ट वीडियो आप वॉच आउट कर लीजिए, फिर उसके बाद से सेकंड वीडियो में आइएगा, तब आपको एक अच्छी क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम, यहां पर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सचेंज रेट के बारे में हम लोगों ने बात किया था और वहां पर मैंने बोला था कि $1 की कीमत कई बार 40 रुपीज में हो जा रही थी, कई बार 50 रुपीज में हो जा रही थी, कई बार 60 में हो जा रही है और कई बार 70 रुपीज में हो जा रही है। अब यहां पर मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिया हुआ था ऑयल का, पेट्रोलियम का, और मैंने वहां पर बताया कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक हो सकता है कि $100 पर बैरल पे मिल रहा हो, $100 पर बैरल पे मिल रही हो हमें पेट्रोल, या फिर हो सकता है कि $120 पर बैरल पे मिल रही हो पेट्रोल। अब इसके बाद यहां पर अगेन दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, जहां पर हमें 5000 रुपए का भी मिल रहा था और 7000 रुपए का भी मिल रहा था, मतलब 7500 रुपए का मिल रहा था, और ये डिपेंड किया था हमारे एक्सचेंज रेट पे। यहां पर भी अगेन हमें अलग अलग रेट पे मिला था, एक मिला था हमें जो 9000 रुपए पे था और दूसरा हमें मिला था जो 6000 रुपए पे था, और इन दोनों में भी अगेन क्या है, एक्सचेंज रेट का ही खेल हो रहा था। अब यहां पर यानी प्रोडक्ट महंगा हो चाहे ना महंगा हो, प्राइस देखिए बिल्कुल बढ़ सकती है और इससे इंपोर्ट की जो डेफिसिट है, डेफिसिट कंट्रीब्यूशन इन द करेंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कॉस्ट ही इसकी बढ़ गई हो, 120 रुपए हो गई हो और उसके अकॉर्डिंग में ये प्राइस बढ़ गई हो, तो यहां पर भी क्या है, ये और ज्यादा ही प्रॉब्लम, मतलब ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर फ्लक्चुएशन केवल इतनी दूरी का है, सपोज दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द फ्लक्चुएशन, तो एक्सचेंज रेट इसको एनहेंस करके इतना बड़ा बना सकता है, क्योंकि इन यहां पर एक्सचेंज रेट के पास होता है अपना मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्लियर हो गया क्या चीज है, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं 5 रुपए की चीज 5000 में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि यहां पर हमारे पास मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं, और ये बेसिकली एक्सचेंज रेट हम लोग देख रहे होते हैं अपने करंट अकाउंट बैलेंस पे, सीएबी पे। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए हमारे पास, अब हम लोग जब भी किसी गुड्स को कंपेयर करते हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन होता है कि आप उसकी प्राइस पे डिसाइड करेंगे, प्राइस वैल्यू पे। प्राइस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जैसे ऑयल की ही प्राइस थी, तो ऑयल की प्राइस एक बार आपको 5000 रुपए पर बैरल पे मिल रही थी और एक बार आपको मिल रही है 9000 पे, मान लेते हैं, तो आपकी प्राइस बढ़ गई है, हालांकि ओरिजिनल प्राइस अभी भी सेम है। ओरिजिनल प्राइस अभी भी कितनी है, $100 पर बैरल। दूसरी हो सकती है गुड्स की वैल्यू कंपेयर करने के लिए, वो हो सकती है परचेजिंग पावर पैरिटी पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, अब ये ध्यान से सुनिएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी ये क्या चीज है। अब देखिए हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में भी, लास्ट क्लास के एग्जांपल में डिस्कस किया था चाइना का एग्जांपल और इंडिया का एग्जांपल, जहां पे दोनों के दोनों रबर बना रहे थे, दोनों के दोनों रबर बना रहे थे, क्लियर। ये भी रबर बना रहा था, ये भी रबर बना रहा था। यहां पर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही थी नियरली 120 रुपीज, मान लेते हैं 120 थी, ठीक है, और यहां पर जो बन के आ रही थी वो 100 रुपीज में आ रही थी, क्लियर। अब यहां पर देखिए
रुपए के फॉर्मेट में देखेंगे तो रुपए के फॉर्मेट में इंडिया वाला सस्ता था, लेकिन डॉलर में कन्वर्ट करने पे क्या हुआ था कि ये वाली 1. समथिंग डॉलर में चली गई थी और ये वाली 2 डॉलर में चली गई थी, क्योंकि एक्सचेंज रेट दोनों का अलग अलग था। तो बेसिकली जब एक्सचेंज रेट पे अब आप देख रहे हैं तो आपने बेसिकली प्राइस वैल्यू पे देख लिया, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है कि सपोज मैकडॉनल्ड्स है, मान लेते हैं मैकडी है, मैकडी का एक बर्गर सपोज 40 रुपीज में इंडिया में मिल रहा है और इसी 40 के अकॉर्डिंगली 40 ही यहां पर भी अगर मिल रहा है तो इसको बोलते हैं कि दोनों की जो करेंसी है वो सेम है। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे इंडिया में मान लेते हैं कि आप इंडिया में है और आपको घूमने जाना है, मान लेते हैं इंडोनेशिया, ठीक है, मान लीजिए बाली घूमने जाना है और यहां पर एक रुपए है मान लेते हैं आपके पास, और जब इंडोनेशिया घूमने जाएंगे आप तो एक रुपए यहां पर बदल जाता है 200 रुपया में, रुपया इसकी करेंसी रुपया है, ठीक है। तो एक रुपए आपकी 200 रुपए में कन्वर्ट हो गई, मतलब अगर आप 1000 रुपए को इंडोनेशिया की करेंसी में जाकर के कन्वर्ट कराते हो तो आपके पास 200000 रुपए हो जाएंगे, मतलब 1000 यहां पर है तो आप 200000 रुपए यहां पर मतलब हाथों हाथ माला माल हो जाएंगे। 10000 रुपए कन्वर्ट कराएं 20000 रुपए हो गए, मतलब खतरनाक ही हो गया। चलिए खैर जोक सपाट। अब मान लीजिए यहां पर इंडिया में अगर आप मान लीजिए मटर पनीर खरीदते हैं, ठीक है, मटर पनीर अगर मान लीजिए आप खरीद रहे हैं तो आपको लगेगा मान लेते हैं 350 रुपए में आपने मटर पनीर खरीदा। इंडोनेशिया में जब आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको मटर पनीर मिल रही है 70000 रुपया। एंड दिस इज रियल, मैं आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं बता रहा हूं, ये एक्चुअल में यही होता ही है 70000। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली ये भी निकल के आएगा कि ये 350 रुपए इंडियन करेंसी के फॉर्मेट में है, यानी कि अगर आप इंडिया में जितना मटर पनीर खाएंगे जितने रुपए दे रहे होंगे, इंडोनेशिया में भी जाकर के आपको उतना ही रुपए देना पड़ रहा है। तो अब ये बताइए, चाहे एक रुपए में या फिर 200 रुपया में कोई अंतर पड़ा क्या? अब आपको एक रुपए रहे आपके पास इंडियन करेंसी या 200 रुपया इंडोनेशियन करेंसी रहे, बात तो एक ही है। 350 रुपए या तो इंडियन करेंसी में आप दे दीजिए या 70000 रुपए दे दीजिए रुपया में दे दीजिए, बात तो एक ही है, यानी कि इन दोनों की जो परचेजिंग है वो सेम है। दिस इज परचेजिंग पावर, तो दोनों की जो परचेजिंग पावर है वो सेम है। एंड दिस इज हाउ वी कंपेयर द इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम लोग इस तरीके से कंपेयर कर रहे होते हैं, ना कि हम लोग डॉलर के फॉर्मेट में, क्योंकि डॉलर से देखेंगे तो देखिए यहां पर एक डॉलर मान लेते हैं कि 50 रुपए पे अगर है तो यहां पर एक डॉलर 100% कितना हो जाएगा, 10000 रुपए पे आ जाएगा, 10000 रुपया। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है, 50 10000। तो एक्सचेंज रेट में अच्छा खासा डिफरेंस है, बट डिफरेंस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द परचेजिंग पावर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर। कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि कभी भी इकोनॉमी को अगर कंपेयर करना है तो बेस्ट सोर्स क्या होगा, तो आप बताएंगे बेस्ट सोर्स होती है परचेजिंग पावर के थ्रू कंपेयर करना। क्लैरिटी आ गई परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? जब भी आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि अब बास्केट ऑफ गुड्स, जो भी उस बास्केट ऑफ गुड को खरीदने में जितना भी पैसा लगा और बाकी कंट्री दूसरे कंट्री में जितना पैसा लगा, इन दोनों को आपस में कंपेयर करने के बाद वॉट एवर लेफ्ट दैट इज द परचेजिंग पावर। क्लियर हो गया क्या है परचेजिंग पावर का मतलब? अच्छा, अब हमारे पास जरा आते हैं हम लोग वापस से एक्सचेंज रेट के अपने डिस्कशन पे। तो एक्सचेंज रेट इज द प्राइस एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सचेंज ऑफ अनदर करेंसी, मतलब एक डॉलर को आप किस रेट पे कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो एक रुपए में बदल जा रहा है, इसी को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। क्लियर हो गया? अब देखिए जो एक्सचेंज रेट होती है इसको भी हम लोग कंपेयर करते रहते हैं। कंपेयर करने का मतलब इकोनॉमी को जब भी हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो हम लोग इस एक्सचेंज रेट के माध्यम से ही कंपेयर करते हैं कि कैसी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हालांकि देखिए इसका कुछ खास फर्क नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इट ऑल डिपेंड्स कि आखिर में हमारी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग या कंट्री की बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं। यहां पर अगर मान लेते हैं कि हमने सपोज इसकी बेस रेट मान लिया 2004 एंड 5, हम लोगों ने 2004-5 ये बेस रेट मान लिया, और मान लेते हैं $1 की कीमत यहां पर थी 40 रुपीज 2004-5 में। आगे बढ़ते हैं 5-6 में मान लेते हैं $1 की कीमत बन जाती है 50 रुपए। आगे इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मान लेते हैं 2011-12 में आ जाती है वैल्यू इसकी 60 रुपीज। सिमिलरली आगे बढ़ जाते हैं 2018-19 में मान लेते हैं इसकी वैल्यू हो जाती है 70 रुपीज। अब देखिए ये एक्सचेंज रेट की वैल्यू लगातार बढ़ते आ रही है,
अब यहां पर ये हो गई एक्सचेंज रेट, यहां पर नीचे हम ले लेते हैं ऑयल की प्राइस। ऑयल की प्राइस हो सकता है यहां पर $100 हो, $100, यहां पर भी $100 हो, यहां पर मान लेते हैं 2011-12 बारे में बढ़ करके 120 रुपए हो गई, मतलब $120 हो गई, और यहां पे 18-19 में घट करके मान लेते हैं $50 पे हो गई। लेकिन अगर एक्चुअल में इंडिया में रेट देखें पेट्रोल का, पेट्रोल का रेट अगर आप देखेंगे तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर 50 रुपीज थी तो ये आगे 60 रुपीज, 70 रुपीज, 73, आज भी 72 ये मिल जाएगा आपको। तो इससे मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज परचेजिंग, ये अलग चीज है। यहां पर गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स वगैरह लगा देती है, काफी कुछ होता है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, एक्चुअल में जो परचेजिंग है इन इस एक्सचेंज रेट के कारण से काफी ज्यादा बदल जा रही होती है। दो तरीके से बदलती है, एक बदलती है क्योंकि वो एक्सचेंज रेट बदल रहा है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया था पुराने एग्जाम्पल में, जहां पर 50 रुपए कन्वर्ट हो गए थे 5000 रुपए में, मल्टीप्लायर इफेक्ट। दूसरी होती है एक्चुअल में ऑयल का प्राइस इंक्रीज कर गया है, यानी कि इन्फ्लेशन आ गई है। इस इन्फ्लेशन के कारण से मार्केट की जो वस्तु है, मतलब जो पेट्रोल है, वो प्राइस राइज करेगा ही करेगा। एक्सचेंज रेट के कारण से भी प्राइस राइज दोनों कर सकता है, यानी कि जो एक्चुअल मार्केट कॉस्ट ऑफ इंडिया में मार्केट कॉस्ट ऑफ जो ऑयल होगी उस पर एक्सचेंज रेट का भी फर्क है और उस पर प्राइस का भी फर्क है। तो प्राइस का फर्क मतलब इन्फ्लेशन का फर्क। तो हमें क्या है, जब भी कंपेयर करना होगा इकोनॉमी को तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम लोग एक्सचेंज रेट पे कंपेयर करें, और दूसरा हो सकता है कि जब प्राइस की यानी कि इन्फ्लेशन की जो भी इंक्रीज आई है उसको भी लेके करें। तो बेसिकली यही दो तरीके हो जाते हैं हमारे पास एक्सचेंज रेट को डिफाइन करने के लिए। एक को बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जहां पर केवल और केवल एक्सचेंज रेट के माध्यम से देखा जाता है कि वैल्यू कितनी अप और कितनी डाउन जा रही है, और जब इन्फ्लेशन के भी इफेक्ट को ले लिया जाता है तो उसको बुलाता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और क्लियर करता हूं, अभी और समझ में आएगा। पहले इसके दोनों के एग्जांपल आप देख लीजिए। नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो जाती है जब प्रिवेलिंग ऑफिशियल एक्सचेंज रेट जो हो रही होती है। दूसरी होती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सचेंज रेट हो जा रही होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लेते हैं किसी की ईयर 2018-19 में ही मान के चलते हैं, और एक ईयर ले लेते हैं 2019-20, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कि हमारी जो एक्सचेंज रेट की वैल्यू है, अब देखिए एक्सचेंज रेट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, इंटरनेशनल जो भी कंडीशन है, जैसे अभी कोरोना का केस है तो इस समय काफी ज्यादा हमारी एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रही है। सिमिलरली गोल्ड की प्राइस हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया हमारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, तो नंबर ऑफ चीजें होती हैं जिसपे एक्सचेंज रेट डिपेंड कर रहा होता है। हम लोग आगे अभी देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। बस आप ये मान के रखिए कि एक्सचेंज रेट की वैल्यू कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है और वो फ्लक्चुएटिंग होती है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर जो रेट चल रहा है $1 में चल रहा है, मान लेते हैं कि 60 रुपीज, और मान लेते हैं कि 1920 में $1 की कीमत हो जा रही है 70 रुपए, ठीक है। अब यहां पर ऑयल की प्राइस क्या है, ऑयल मतलब कि जो क्रूड ऑयल है, मतलब जो हम लोग खरीद के लेकर के आ रहे हैं मार्केट से, वो मान लेते हैं कि $100 पर बैरल है, ठीक है, $100 पर लीटर ले लेते हैं, चलिए इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझना ही तो है। यहां पर ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ करके $120 पर लीटर हो गई है। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट में टैक्सेस वगैरह को छोड़ दिया जाए, नॉर्मल देखा जाए तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 रुपए पर लीटर, और यहां पर कितनी हो जाएगी, 8400 रुपए पर लीटर। अब सपोज मान लेते हैं इसकी वैल्यू, सपोज इसकी वैल्यू 100 ही होती, 100 ही होती, मतलब हम लोगों ने इन्फ्लेशन नहीं देखा है, अगर 100 ही होती तो हमारा कितना हो जाता, तो भी हमें 7000 रुपीज पर लीटर देना पड़ता। तो यानी कि अगर हम क्रूड ऑयल की प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए अपने एक्सचेंज रेट को देखें तो वो 1000 रुपीज पर लीटर से बढ़ गई है। इसको बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। लेकिन अगर हम लोग क्रूड ऑयल की प्राइस को भी फ्लक्चुएट कर देते हैं, प्राइस फ्लक्चुएट करने के बाद जो भी हमें प्राइस निकल के आएगी, उसको जो एक्सचेंज रेट निकल के आ रहा है, वो बढ़ रहा है हमारा कितना, 2400 रुपीज पर लीटर, और इसको बोलते हैं हम लोग रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट।
क्लियर हो गया क्या चीज है अब दोनों में अंतर, दोनों में क्लैरिटी आ गई क्या चीज है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों का यूज करते कहां पे है, कहां पे हम इसे दिखा रहे होते हैं। नॉर्मली देख लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं नॉर्मल केसेस में नीर का, नीर मतलब कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में हमें प्राइजेस को कंपेयर करना होता है तब हम लोग यूज कर रहे होते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो दोनों के अलग अलग काम है। नॉर्मल कह लीजिए कि इंडियंस के लिए, वो इंडियंस के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं हमारा नॉमिनल इफेक्टिव, और अगर हम लोग फॉरेन मार्केट में जब भी फॉरेन प्लेयर के बीच में हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम लोग देख रहे होते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्लियर हो गया क्या चीज है दोनों में अंतर। चलिए खैर इसके बाद एक तीसरी आती है जिसको बुलाता है LERMS, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। ये क्या चीज है अब इसको भी ध्यान से सुनते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारी जो इकोनॉमी है पहले वो फिक्स हुआ करती थी, फिक्स हुआ करती थी। एक काम करिए इसको अभी ड्रॉप करिए, अभी मैं इसको समझाता हूं, इसमें अभी बताता हूं क्या क्या चीज है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आ जाएगी क्या चीज है, आगे हमारे पास है वेरियस एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। वेरियस एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का मतलब अलग अलग तरीके से एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जा रहा होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा। एक होती है जिसको बोलाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, यहां पर ये पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड कर रहा होता है। अब जरा ये समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या चीज है, डिमांड एंड सप्लाई का। बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई। देखिए डिमांड एंड सप्लाई का मतलब होता है डॉलर की डिमांड एंड डॉलर की सप्लाई। डॉलर की डिमांड कब कब होगी, जब जब आपको मान लेते हैं दिस इज इंडियन स्टूडेंट एंड ही हैड टू गो टू द फॉरेन कंट्री फॉर एजुकेशन, नाउ ही हैज टू गेट सम फॉरेन करेंसी, डॉलर में इसको पैसा चाहिए होगा। या मान लीजिए आप घूमने ही जा रहे हैं, मान लीजिए सिंगापुर जा रहे हैं घूमने, तो आपको डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो नाउ यू आर विदड्रॉइंग डॉलर कहां से, बैंक से। तो आप जाएंगे बैंक में, कहेंगे भाई मुझे डॉलर चाहिए, पैसे चाहिए, डॉलर दे दीजिए आप, तो ये डॉलर ले लेंगे। तो यू आर डिमांडिंग डॉलर, पहली चीज हो गई, क्लियर हो गया, डॉलर आप डिमांड कर रहे हैं। दूसरी चीज जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं किसी कहीं से आप मंगा रहे होते हैं सामान, तो आप इंडियन रूपी में तो दे नहीं रहे होते उनको पैसे, उनको आप दे रहे होते हैं किसमें, डॉलर में। तो अगेन डॉलर की डिमांड हो रही है, डॉलर देना पड़ रहा है। तीसरी चीज मान लेते हैं कि इन्वेस्टर है कोई, और वो इन्वेस्टर कह रहा है कि मैंने जो भी इन्वेस्ट किया है मुझे उसे विदड्रॉ करना है, निकालना है। तो अगेन ये क्या कर रहा है, इंडियन रूपी में तो लेकर के जाएगा नहीं, वो तो उसके लिए बेकार हो गया, तो वो वापस से डॉलर में डिमांड करेगा। तो ये क्या है, डॉलर डिमांडिंग है, यानी कि अगर आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, अगर आप फॉरेन कंट्री में ज्यादा घूमने जा रहे हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, अगर इन्वेस्टमेंट कंट्री से निकल करके बाहर चली जा रही है तो डॉलर की डिमांड हो रही है। ये तीनों ही केस एक्सचेंज रेट को बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि डॉलर लगातार कंट्री से बाहर जाते जा रहा है और उसका इफेक्ट कंट्री में ये रह जाएगा कि डॉलर आ नहीं पाएगा, डिमांड बढ़ते जाएगी तो एक्सचेंज रेट की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। यानी कि अगर एक डॉलर में कल को 50 रुपए हुआ करते थे तो इन तीनों इफेक्ट के कारण से एक डॉलर में अब हो सकता है कि 100 रुपीज पे ये चला जाए। समझ में आ गया क्या है डिमांड का मतलब। नाउ कमिंग टू सप्लाई, सप्लाई कैसे होगी, अब देखिए यहां पर इंडियन बंदा घूमने जा रहा था तो डॉलर निकाला था, फॉरेन का बंदा आया इंडिया में घूमने के लिए तो डॉलर वो देगा, कहेगा डॉलर लो इंडियन रुपीज दो, तो इंडियन रुपीज INR आपने दे दिया और डॉलर आप अपने रख लिया, सप्लाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट आपने किया था, आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने पे अगेन आपको क्या मिल गया, डॉलर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट आए थे, इन्वेस्टमेंट अब आ जाएंगे, इन्वेस्टर जब आएंगे तो अपना पैसा डॉलर में दे देंगे। इसके अलावा जो NRIs होंगे वो भी आएंगे, पैसा देंगे, आ जाएगा। इसके अलावा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ये भी आएगा, डॉलर में देगा पैसा। इस तरीके से हमारी सप्लाई हो रही होती है, यानी कि जब जब ये डॉलर आएगा तब तब क्या होगा, नंबर ऑफ डॉलर्स आए, सप्लाई बढ़ी तो सीधी सी बात है हमारा जो एक्सचेंज रेट है जो 100 पे था वो घट करके 50 पे चला जाएगा। तो आपको डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ गई होगी क्या चीज है। अब जरा देखते हैं कि एक्सचेंज रेट की वैल्यू डिसाइड कैसे हो रही है। सपोज दिस इज आवर कर्व, ठीक है, तो हमारी डिमांड क्या होगी, डिमांड का कर्व कुछ इस तरीके से होगा, सप्लाई का कर्व कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज सप्लाई एंड नाउ दिस इज डिमांड, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों जहां पर कट किए वो निकल के आ गई हमारी क्या, एक्सचेंज रेट, दिस इज एक्सचेंज रेट, ठीक है। मान लेते हैं डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई मतलब कर्व आगे की ओर ये शिफ्ट कर गया, ठीक है। एक काम करते हैं पेन दूसरा कलर का ले लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ब्लैक ले लेते हैं। ये डिमांड हमारी बढ़ गई है, डिमांड हमारी इधर चली गई,
अब डिमांड जब बढ़ी है तो अब ये बताइए सप्लाई यानी कि एक्सचेंज रेट क्या हुआ, बढ़ गया। तो एक्सचेंज रेट जो पहले 50 रुपए हुआ करता था अब वो जाकर के 60 रुपए पे चला गया डिमांड के बढ़ने से, यानी कि इन्वेस्टमेंट बाहर निकल गया है, इंपोर्ट आपकी बढ़ गई है, तो ये हो गया है। सपोज सप्लाई बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ गई है तो क्या हो जाएगा, यहां पर चला जाएगा, यानी कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो घट गया है 40 रुपए पे ही केवल आ गया। क्लियर हो गया क्या चीज है, ये चीज समझ में आ गया डिमांड एंड सप्लाई एंड हाउ द एक्सचेंज रेट आर बीइंग डिसाइडेड, तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी है क्या चीज ये। नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन एंड दिस डिस्कशन इज यस, चलिए तो फ्लोटिंग क्या होती है, जहां पर पूरा का पूरा मार्केट ड्रिवेन होता है, दिस इज प्योरली मार्केट ड्रिवेन, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द वैल्यूएशन एंड रोल ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी इज नील, तो मॉनिटरिंग अथॉरिटी का मतलब यहां से क्या है, यहां से मतलब है सेंट्रल बैंक दैट इज आवर आरबीआई, इससे मतलब है। क्लियर हो गया, ओके। नाउ कमिंग टू सेकंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, यहां पर गवर्नमेंट फिक्स रखती है, गवर्नमेंट यहां फिक्स रख रही है ये डॉलर, इससे कोई मतलब नहीं है इनको डिमांड एंड सप्लाई से, ये खुद बताएंगे हमारे एक करेंसी एक रुपए या एक जो भी नेशनल करेंसी है उसकी फॉरेन वैल्यू क्या होगी। सेंट्रल बैंक आर्टिफिशियली एंड आर्बिट्रली फिक्सेस द एक्सचेंज रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट फोर्सेस, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है विच वन इज गुड, कौन सा बढ़िया है, अब आप बताइएगा क्या बढ़िया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इंडिया का, इंडिया बिफोर 1991 क्या कंडीशन थी, हो तो क्या रहा था, हमारे पास बिफोर 91 हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे काम करते थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट का फंडा क्या था, ध्यान से सुनते हैं, यहां पर हमने मान लेते हैं कि एक रुपए पे एक डॉलर पे हमने 18 रुपए फिक्स कर दिए थे, 18 रुपए फिक्स कर दिए थे 1949 की बात हो रही है, 1949 से इनफैक्ट पहले की बात हो रही है। तो यहां पर मान लीजिए एक क्विंटल अगर आपको गेहूं मंगाना है तो एक क्विंटल का दाम मान लेते हैं कि 100 डॉलर है, तो आपको देना पड़ रहा था कितना रुपए, 1800 रुपीस, ठीक। गेहूं का दाम मान लीजिए बढ़ करके 100 डॉलर की जगह पर बढ़ करके चला गया 150 डॉलर, अब कितना है, अब देना पड़ेगा कितना, अभी देना पड़ेगा इनको 2700 रुपए देना पड़ेगा। तो यहां पर एक्सचेंज रेट की वैल्यू, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें एक इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कर रहे थे तो हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वही मान लेते हैं एक्सपोर्ट करना है, यू हैव टू एक्सपोर्ट। अब मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी चीज है, मान लेते हैं जैसे डायमंड है, डायमंड मार्केट में कुछ नहीं है, आपके पास डायमंड अचानक से निकला और आपने क्या है, पहले मान लेते हैं कि 10-10 ग्राम की खाली सप्लाई कर रहे थे आप, और 10-10 ग्राम के हिसाब से मान लेते हैं कि आप 180 रुपए का यहां पर 10 रुपए का मान लेते हैं डायमंड है अगर, तो 180 रुपए आप कमा रहे होते हैं। आपने क्या किया, इसी को बढ़ा करके 100 ग्राम निकाला, 100 ग्राम निकालने से आपकी जो वैल्यू अभी भी जो प्रॉफिट हुआ आपको वो भी केवल कितना हुआ, उसी हिसाब से हुआ, 1800 रुपए हुआ। अगर मान लेते हैं कि वैल्यू गिर करके 8 ही ग्राम निकला और उस साल कहीं पर भी डायमंड की वैल्यू नहीं निकली है, तो आप अभी भी कुछ नहीं फायदा हुआ आपको, अभी भी आप वही अपना एक्सचेंज रेट रखे हैं, उसी एक्सचेंज रेट से आप अपनी कमाए हुए हैं, यानी कि आपको लॉस हो रहा है, यानी एक्सपोर्ट करने पे आपको लॉस हो रही है, इंपोर्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट करने पे लॉस हो रही है। यानी इफ यू आर गोइंग फॉर एक्सपोर्ट देन फिक्स एक्सचेंज रेट विल इंपैक्ट यू, ये काफी ज्यादा आपको इंपैक्ट करने वाला है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट इंडिया ने क्या किया, पहली करेंसी की जो चेंज है, मतलब 1949 में पहली करेंसी की रेट चेंज किया, इससे पहले एक डॉलर में 18 रुपीज हुआ करते थे, अब वो एक डॉलर में इसकी रुपीज बढ़ करके 24 रुपीज कर दिया इन्होंने, लेकिन अभी भी इन्होंने फिक्स ही रखा, इन्होंने अभी भी फिक्स ही रखा। इसके बाद चेंज किया इन्होंने 1966 में, 1966 में, और इसकी एक डॉलर की वैल्यू को बढ़ा करके कुछ नियर अबाउट 30 कर दिया, अगेन फिक्स रखा। 1991 में जब हमारी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आती है तो यहां पर हम लोग फिक्स से फ्लेक्सिबल कर देते हैं, फ्लेक्सिबल या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्लोटिंग, लेकिन ये फ्लोटिंग प्योरली नहीं हुई थी, नॉट प्योर का मतलब क्या चीज है, अब जरा ध्यान से सुनिए नॉट प्योर का मतलब क्या है। 1991 के बाद में एक्चुअल में 1992 में इन्होंने किया क्या था 60% आइटम्स या 60% जो वैल्यू होगी, 60% आइटम्स की जो वैल्यू होगी वो रहेगी फ्लोटिंग, 60% फ्लोटिंग रहेगी, 40% आइटम्स की वैल्यू वो रहेगी फिक्स। मतलब इन्होंने पार्शियल तरीके से पार्शियल फ्लेक्सिबिलिटी दी,
पार्शियल फ्लेक्सिबिलिटी, और इसी पार्शियल फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। तो ये बेसिकली था लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। इसमें होता क्या है, इट वॉज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1993, इंडिया डीलिंक्ड इट्स करेंसी फ्रॉम द फिक्स्ड करेंसी सिस्टम एंड मूव्ड इनटू द एरा ऑफ फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम अंडर इट। अब क्वेश्चन ये उठता है, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमारे उस समय थे जो आरबीआई गवर्नर, वो आरबीआई गवर्नर छोड़िए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने जो भी किया होगा कुछ सोच के ही किया होगा। एक्चुअल में क्या था, अगर ये प्योर मतलब तुरंत ही आप झटके से इसको फ्लेक्सिबल कर देते तो देयर विल बी क्रैश इन द इकोनॉमी, क्रैश हो जाती अगेन। क्यों, क्योंकि अब मार्केट को बनाना था लेकिन एफडीआई आ ही नहीं रही थी, क्योंकि अभी जस्ट आपने इकोनॉमी को ओपन किया था, जो इन्वेस्टर्स थे उनको मार्केट को समझने में टाइम लगेगा, और इंडिया को भी धीरे धीरे रिजिलियंसी लेके आनी थी, क्योंकि अचानक से फिक्स चीज को फ्लेक्सिबल करेंगे तो यहां पर एक क्रैश सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से धीरे 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 करके फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई और अंत में इसको प्योरली फ्लोटिंग रेट पे कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर बात करें तो वी आर फॉलोइंग मैनेज्ड फ्लोट रेट। ये देखिए पेग्ड फ्लोट रेट है, जो कि सिमिलर टू फिक्स के साथ ही तरीके का होता है। करेंसी रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल हार्ड करेंसी, तो कुछ खास है नहीं, छोड़ देते हैं इसको। हमारी जो है फिलहाल मैनेज्ड फ्लोट करेंसी होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं वैसे फॉल्टी प्रैक्टिस, दिस इज फॉल्टी प्रैक्टिस। क्या होता है इसमें, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर रघुराम राजन यही काम करते थे। अब देखिएगा करते क्या थे, ये मान लीजिए हमारी डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, तो ये हमारी है जो डिमांड है, ठीक है, ये हमारी डिमांड है, दिस इज डिमांड, और ये आपकी, ये हमारी सप्लाई हो रही है, और यहां पर हमारा एक्सचेंज रेट एक निर्धारित हो गया, दिस इज आवर एक्सचेंज रेट, क्लियर। अब क्या होता है कि इकोनॉमी जो होती है थोड़ी सी शेक करती है और चेंजेस आते हैं, डिमांड हमारी बढ़ जाती है, डिमांड हमारी चली जाती है यहां पर, ये हमारी डिमांड है, तो नया जो एक्सचेंज रेट बना वो कायदे से ऊपर चला गया, एक्सचेंज रेट तो हमारी यहां पर चली गई। लेकिन इसमें हुआ क्या, आरबीआई ने कहा नहीं हम नहीं होने देंगे, हम क्या करेंगे, आरबीआई जिसके पास जो होती है वो हमारे फॉरेक्स की करेंसी रखी जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं करना है, हमें फिक्स रखना है, हमें जो होती है इतना भी रिजिलियंसी नहीं बनानी है। तो इन्होंने क्या किया, डॉलर जो रखे हुए थे अपने पास सेंट्रल बैंक में उसको इन्होंने रिलीज कर दिया मार्केट में, रिलीज्ड इन मार्केट, यानी सप्लाई भी कर दी। तो सप्लाई अगर करेंगे ये तो सीधी सी बात है ये कर्व जो है वो नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, तो डाउनवर्ड आने पे अब ये वैल्यू यहां कहीं चली आई, अब यहां पर नया एक्सचेंज रेट कहां है, यहां है, तो यानी एक्सचेंज रेट जो पुराना था वही एक्सचेंज रेट इन्होंने अभी फिर से फिक्स कर दिया। क्यों, क्योंकि डिमांड की जितनी डिमांड हुई थी, जितना डिमांड ये ऊपर गया था उतनी ही सप्लाई के थ्रू नीचे आ गया, और अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट में कोई भी फर्क नहीं आया, और इस तरीके से मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट हो जा रही होती है, जहां पर डिमांड के अकॉर्डिंगली आप सप्लाई को मैनेज कर दे रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है, हालांकि इसको फॉल्टी प्रैक्टिस भी बोली जाती है। चलिए खैर आते हैं हम लोग वापस से अपने डिस्कशन पे। यहां पर जब आप मैनेज फ्लोट रेट देखेंगे तो एक्सचेंज रेट इज लार्जली मार्केट डिटरमाइंड बट सेंट्रल बैंक मैनेज द रेट इन स्पेसिफिक बैंड। तो सेंट्रल बैंक जो होती है वो डिफाइन कर रही होती है क्या चीज होने वाली है, और यही हमारे इंडिया में फॉलो हो रहा होता है। क्लियर, क्यों फॉलो हो रहा होता है, क्योंकि देखिए हमारा इंपोर्ट जो होता है वो अभी फिलहाल ज्यादा है एक्सपोर्ट से, और हमें अभी इसी को कंटिन्यू करके रखना पड़ेगा, तो इस वजह से हमें मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट रखना हमारे लिए फिलहाल के लिए सस्टेनेबल यही एक तरीका बन पा रहा होता है। क्लियर, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा कन्वर्टिबिलिटी के बारे में देखते हैं। व्हाट इज कन्वर्टिबिलिटी, देखिए कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, हमारे पास देखिए दो तरीके की कन्वर्टिबिलिटी होती है, एक होती है करंट अकाउंट पे और दूसरी होती है कैपिटल अकाउंट पे। पहले तो यही देखते हैं कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो हमारे पास वन सेकेंड, हमारे पास कन्वर्टिबिलिटी करेंसी गिव्स फ्रीडम टू होल्डर टू कन्वर्ट देम फ्रीली इनटू अदर करेंसी एट अ प्रिवेलिंग मार्केट रेट। मतलब क्या है इसका, ध्यान से सुनिए फिर से। देखिए सपोज दिस इज यू, मान लेते हैं कि ये आप हैं और आपको फॉरेन कंट्री जाना है, मान लीजिए, और आपके पास मान लीजिए 25,000 रुपए हैं, यू हैव 25,000 रुपीज इन योर हैंड एंड यू हैव टू गो टू समवेयर इन यूरोप, आपको मान लीजिए यूरोप में जाना है, तो सीधी सी बात है इंडियन करेंसी लेके जाएंगे तो वहां तो आपको भीख मांगना पड़ जाएगा, तो आप करेंगे क्या, आप यहां से इसको कन्वर्ट करवाएंगे,
कहां पे, अभी बताता हूं कहां पे करवाएंगे, लेकिन आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा यूरो में। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में बताता हूं क्या चीज है। कन्वर्ट कराने के लिए यू हैव टू ऑप्शन। वन ऑप्शन इज कि बैंक के पास आप जाइए, दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी कोई भी मनी एक्सचेंजर के पास चले जाइए। ये प्राइवेट होते हैं मनी एक्सचेंजर, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा, बड़े बड़े सिटीज में मनी एक्सचेंजर होते हैं। लिखा रहेगा आपको बोर्ड पे कि यहां पर आइए अपना मनी एक्सचेंज कराइए अलग अलग करेंसी में। चले खैर, तो होता क्या है, अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक ऑब्वियसली आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करेगा या फिर गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करेगा। तो यहां पर अगर आप 25,000 रुपीज लेकर के जा रहे हैं तो आपके पास बोला जाएगा, बैंक के पास आप जाएंगे, पूछेगा आपसे कहां जाना है बेटा, तो आप बताएंगे कि यार मुझे यूरोप में जाना है, तो कहेगा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो पासपोर्ट दिखा दो और वीजा दिखा दो, कहां तुमने वीजा लगवाया है। तो आपने दिखा दिया। अब यहां पर बैंक के पास एक गाइडलाइन होती है, इसको बोलाता है फेमा, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा फेमा क्या होती है। फेमा के बारे में आप ये समझ लीजिए कि 25,000 अगर आप पैसा लेकर के जा रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ये कहते कि यार देखो यार 20,000 ही अलाउड है केवल और केवल करना, बाकी आपको अकाउंट में लेकर के जाना पड़ेगा। इनफैक्ट कभी आप दूसरे कंट्री में अगर गए हो तो वहां पर जहां पर भी कस्टम बोर्ड रहेगा वहां पर लिखा रहेगा कि आप अपने साथ इन हैंड कैश कितने ले आ सकते हैं, 25,000 ले आ सकते हैं, 30,000 रुपए ले आ सकते हैं, 35,000 रुपए ले आ सकते हैं। तो ये उनका एक फॉरेन एक्सचेंज की एक एक्ट होती है, एक कन्वर्टेबिलिटी पे एक कह लीजिए कि कंस्ट्रेंड होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो यहां पर बैंक वाला क्या कहेगा कि 25,000 है, 25,000 तो मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन 20,000 केवल कर सकता हूं क्योंकि उतना ही परमिटेबल है। तो आपको ये बंदा सपोज थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के, मान लीजिए कि उस समय का यूरो का रेट मान लीजिए एक यूरो में 80 रुपए अगर चल रहे हैं, एक यूरो में अगर 80 रुपीज चल रहे हैं तो ये 81 रुपीज वगैरह लेकर के आपसे कन्वर्ट कर देगा और बाकी एक रुपए जो होता है वो उनका ब्रोकरी हो जाता है, ब्रोकिंग चार्ज हो जाती है, ये हो जाती है। मनी एक्सचेंजर के पास आप जाएंगे तो यहां पर ये कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, कितना पैसा है बताइए, ये कहेगा 25,000, कोई दिक्कत नहीं एकदम एक्सचेंज कर देंगे हम। अच्छा ये प्राइवेट है इस वजह से कोई दिक्कत नहीं कर रहा है ये, लेकिन ये करेगा क्या, आपसे कहेगा 81 रुपए है भाई, हमें भी इतना, हमें गवर्नमेंट नॉर्म को हम बाईपास कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं तो पैसा तो लेंगे, तो ये कहेगा हम 85 रुपए पे आपका एक्सचेंज करेंगे। नाउ यू हैव टू पे 5 रुपीज पर यूरो, उसको पर यूरो 5 रुपए आपको कन्वर्ट करने का चार्ज देना पड़ जाएगा। तो ये तरीका होता है हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कराने का। खैर चलिए, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग, अलग चीज है। यूरो में आपने कन्वर्ट करा करके आप चले गए हैं यूरो, ठीक है, इसी को बोलते हैं कन्वर्ट कराने को ही बोलते हैं कन्वर्टेबिलिटी। क्लियर, तो कन्वर्टेबिलिटी का मतलब हो गया जब करेंसी को कन्वर्ट कराना है किसी अदर करेंसी में तो इसको हम लोग बोल देते हैं कन्वर्टेबिलिटी। अब ये कन्वर्टेबिलिटी दो तरीके से होती है, एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। दोनों के बारे में जरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहले यहां पर आप पढ़ लीजिए, हालांकि समझ में नहीं आएगा फिर भी आप पढ़ लीजिए। इट रेफर्स टू द फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इंटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, रेमिटांस एंड ट्रेवल, एजुकेशन एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया करंट अकाउंट। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं इस करंट अकाउंट का मतलब क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि दिस इज यू, ये आप है, और आपको मान लीजिए कि सपोज PS4 या फिर एक काम करते हैं आईफोन नया आया हुआ है, आईफोन को ले लेते हैं, आईफोन मान लीजिए 11 प्लस आपको लेना है और iPhone 11 Plus इंडिया में नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्वियसली पैसा कन्वर्ट कराना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपना, और डॉलर कन्वर्ट कराने के बाद आप इस iPhone Plus को आप परचेज कर सकते हैं। आपने कहा कि यार मेरे पास नियरली 1.5 लाख रुपीज है और आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिए। आप गए बैंक के पास, बैंक वाला कहेगा अगेन देखो यार मेरे पास फीमा वाला नॉर्म है, फिर से सिंगल पर्सन इतना नहीं करा पाएगा। आपने क्या किया, चलो कोई बात नहीं, आपने घर वाले अपने लेके आए, 4-5 बंदों को आप जुगाड़ के लेकर के आए और आपने एनी हाउ कन्वर्ट करा लिया, आपने ये करेंसी जो होती है कन्वर्ट करा ली, डॉलर में कन्वर्ट करा लिया, एंड दिस इज हाउ यू परचेज दैट आईफोन। किया क्या आपने, आपने किया ये कि आप इंडियन रुपीज को आपने दिया है और डॉलर आपने लिया है। समझ में आया क्या चीज है, तो रुपीज से आपने डॉलर में कन्वर्ट कराया है, इसको बोल रहे हैं आप करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। दिस इज कन्वर्ट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी।
क्लियर हो गया क्या चीज है? किसी फॉरेन आइटम को खरीदने के लिए आपने जो भी कन्वर्जन करवाया है उसको करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बोल देते हैं। अगेन यहां पर फेमा के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, इस नॉर्म्स को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या चीज है। बस नॉर्म्स में ज्यादा कुछ नहीं है, कोई इधर उधर के प्रोविजन नहीं है, केवल प्रोविजन यही है कितने अमाउंट को आप कन्वर्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर करंट अकाउंट के बारे में बात करें तो देखिए दिस इज फुल्ली कन्वर्टेबल, मतलब आप जितना भी पैसा लेकर के जाएंगे वो सारा का सारा पैसा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। समझ में आ गया क्या है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी? जहां पर आप अपनी करेंसी को, देखिए फिर से, इट रेफर्स टू द फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी, अपनी करेंसी, इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा फॉर जो भी एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है या जो कुछ भी करना है आपको, जैसे भी जो भी खरीदना है आपको, वो सारी चीजें आप डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद कर ले रहे होंगे। क्लियर हो गया क्या है करंट अकाउंट? नाउ कमिंग टू कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, अब जरा ये समझिएगा, इट रिफर्स टू द फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी विच इंप्लाइज देयर शुड बी 100% एफडीआई एंड एफआईआई अलाउड अक्रॉस ऑल सेक्टर। इसका मतलब क्या है, अब जरा फिर से ध्यान से सुनिए। आपने क्या किया, ये थे आप, आपने कहा कि मुझे यार आईफोन खरीदना है, आईफोन 11 खरीदना है मुझे, आईफोन 11 प्लस ये मुझे खरीदना है, लेकिन मेरे पास इस समय पैसा नहीं है। आप बैंक के पास गए, बैंक से बोले कि यार मुझे मतलब $100 की जरूरत है, सपोज मान लेते हैं $100 में केवल बिक रहा है, $100 की जरूरत है। बैंक वाला कहेगा यार $100 नहीं, हम खाली और खाली $50 ही दे पाएंगे, और बल्कि आपको तो बिल्कुल नहीं देंगे, आप विजय माल्या टाइप मुझे लग रहे हैं। तो आपको यहां पर पैसा नहीं मिल पाया, यहां पर आपको पैसा नहीं मिल पाया, लेकिन आपको आईफोन तो खरीदना ही है, कैसे भी खरीदना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप जाएंगे किसी फॉरेन बैंक के पास, फॉरेन बैंक के पास आप गए, मान लेते हैं कि आप चले गए, मान लेते हैं सपोज यूके चले गए, यूके में आपने वहां पर मान लेते हैं कि कोई एक बैंक को पकड़ा और बैंक से कहा कि यार पैसा दे दो, तो यहां से जो पैसा आप लोन के अमाउंट में पाएंगे वो लोन को कहा क्या जाएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, या आप कहे जाएंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो आपने बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कैपिटल अकाउंट के चक्कर में, कैपिटल अकाउंट के माध्यम से कंट्री में डॉलर्स लेकर के आपने आ गए, तो दिस इज हाउ यू गॉट द डॉलर, $100 आपने पा गए। अब आप $100 जब लेकर के जा रहे हैं तो आपने ये जो आईफोन है वो आपने परचेज कर लिया। तो इस तरीके की जो कन्वर्टिबिलिटी है, या फिर मान लेते हैं कि यूके से मान लिया डॉलर नहीं, आपको यहां पर पाउंड मिला और पाउंड को आपको कन्वर्ट कराना है डॉलर में, तो फिर आप बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे यार हमें जो होता है डॉलर चाहिए, अब हमारे पास पाउंड है, तो बैंक वाला अगेन पूछेगा क्या करोगे कैसे करोगे, तो यहां पर आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन अगेन फेमा की लग जाएगी, क्या क्या कैसे कैसे करना है, और फिर अल्टीमेटली आपको उतना डॉलर दे दिया जाएगा और डॉलर के थ्रू आप खरीद सकेंगे। तो बेसिकली आपने इस आईफोन को परचेज करने के लिए कैपिटल अकाउंट लेकर के आया, कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि आपने एफडीआई या एफआईआई या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यह आपने लेकर के आया। आप इसको लेकर के बैंक के पास गए, इस बैंक से आपने डिमांड किया कि मुझे डॉलर दे दो, फॉरेन करेंसी दे दो, और उस करेंसी से आपने आईफोन खरीदने की कोशिश की। तो आपने बेसिकली किया क्या, आपने इस एफडीआई एफआईआई या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को या फिर कैपिटल अकाउंट को बेसिकली कन्वर्ट कराने की कोशिश की थ्रू दिस बैंक, तो आपने इसकी कन्वर्टेबिलिटी करवाई है। तो जहां पर भी कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी आप करवा रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। क्लियर? एंड दिस इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल, ये फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, ये पार्शियल है। और पार्शियल क्या है ये हम लोग फेमा में देखेंगे। क्लियर हो गया क्या है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? क्लियर हो गया? चलिए खैर, अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं फुल कन्वर्टेबिलिटी एंड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। हालांकि बहुत ही सिंपल सा है, अभी हम लोगों ने बात भी कर लिया है। फुल मतलब जहां पर पूरा कन्वर्टेबल है, पार्शियल मतलब जहां पर आधा कन्वर्टेबल है, आधा मतलब कुछ पार्ट। फुल कन्वर्टेबल, इट रिफर्स टू द फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा फॉर बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट विथ लीस्ट रिस्ट्रिक्शन, बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन रहेगी, ठीक है, या फिर नहीं के बराबर रिस्ट्रिक्शन रहेगी। पार्शियल में बात करें तो द प्रोपोर्शन अलाउड बाय द गवर्नमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी फॉर करेंट ऑन जो भी चीज है, तो गवर्नमेंट जितना अलाउ करेगी उसी हिसाब से आपकी पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बन जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल, और बाकी जो मेन चीज थी वो थी करंट की और कैपिटल की। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। आगे बात करते हैं, आगे अगर आते हैं तो हमारे पास कन्वर्टेबिलिटी इन इंडिया का केस आ जा रहा होता है।
तो कन्वर्टेबिलिटी इन इंडिया के बारे में अगर बात करें तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सचेंज रेट इंडिया में कैसा चला है। तो एक्सचेंज रेट इंडिया में ऐसे चला है बिफोर 1991 और आफ्टर 1991। तो बिफोर 1991 के बारे में अगर बात करें तो हमारा अलग केस था, आफ्टर 1991 ये हमारा केस अलग है। बिफोर 1991 हम लोगों ने एक्सचेंज रेट अपने फिक्स रखे थे और हम लोगों ने कन्वर्टिबिलिटी भी फिक्स रखी थी। तो 1949 में हमारी पहली डिवेल्युएशन हुई थी, हम लोगों ने अपनी करेंसी को फर्स्ट टाइम डिवेल्युएट किया। 1966 में डिवेल्युएट किया, 1991 में डिवेल्युएट किया IMF के कहने पर। फिर इसके बाद आफ्टर 1992 हमें हम लोगों ने हमारा जो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट है या फिर कह लीजिए जो लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट था उसके माध्यम से हम लोग चले थे और अल्टीमेटली 1998 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने कन्वर्टिबिलिटी करना शुरू कर दिया कन्वर्टिबिलिटी। और यहां पर हम लोगों ने रखा कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो फुल्ली कन्वर्टिबल होगा और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो पार्शियल कन्वर्टिबल होगा, पार्शियल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि करंट को आपने फुल्ली रख दिया तो इसका फायदा नुकसान क्या है और कैपिटल को आपने पार्शियल रख दिया तो इसका फायदा नुकसान क्या है। ध्यान से समझते हैं पहले करंट को। करंट को मान लीजिए आपने करंट अकाउंट को लिखा तो करंट अकाउंट का पहले फायदा देख लीजिए क्या चीज है। फायदे का मतलब यह है कि आप सीधी सी बात है अट्रैक्टिव रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप फटाफट चीजों को डॉलर को ले भी रहे होंगे दे भी रहे होंगे तो आप हमेशा ट्रांजेक्शन में रहेंगे और कोई भी चीज अगर ट्रांजेक्शन में रहती है तो अट्रैक्टिव बनी रहती है क्योंकि उसकी वैल्यू मार्केट में बनी रही होती है। पहली चीज। दूसरी चीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट फटाफट हो रहा होगा और आपके पास अच्छे से इन्वेस्टर आ रहे होंगे। नुकसान क्या है? नुकसान ये है पहली चीज हमेशा देयर इज अ थ्रेट, हमेशा एक थ्रेट बनी हुई है टू लूज डॉलर्स, डॉलर्स को लूज करने का हमेशा एक थ्रेट बना रहता है। दूसरी होती है कि एक्सचेंज रेट ये रिजिलियंट बना होता है, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती रहती है जिसके कारण से इन्फ्लेशन आता रहता है। इन्फ्लेशन मतलब सामान महंगा होता है, जैसे पेट्रोल की प्राइस महंगी होती रहती है। तो ये हो जाता है हमारे करंट का केस। कैपिटल में अगर बात करें कि कैपिटल का क्या केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैपिटल, करंट तो उतना कुछ खास नहीं है, कैपिटल, कैपिटल में क्या है कि आपके पास है FDI, FII या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या फिर रेमिटांस। पॉजिटिव के बारे में बात करें अगर, तो देखिए पॉजिटिव में क्या केस हो जाएगा अगर हम कन्वर्टिबिलिटी फुल्ली रख रहे हैं। पॉजिटिव क्या है? आप अट्रैक्टिव बने रहेंगे, अट्रैक्टिव बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार आपको कोई मतलब इन्वेस्टर को कोई खतरा नहीं रहेगा, उसको लगेगा कि यार अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो फटाफट मैं पैसा लूंगा, फटाफट मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगेन एक तो इन्फ्लेशन का खतरा रहता है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इन्वेस्टर अगर पैसा लेके अपना भाग जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी तुरंत के तुरंत हाथों हाथ गिर जाएगी, क्योंकि अगर इन्वेस्टर ने अपना पूरा पैसा कन्वर्ट करके निकाल लिया तो हमारे यहां से डॉलर खत्म, डॉलर खत्म तो हम लोग आगे जाकर के इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो उसके कारण से हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी और यही दिक्कत हो जाएगी। और इसी वजह से हम लोग इंपोर्ट मतलब कि कन्वर्टिबिलिटी, फुल कन्वर्टिबिलिटी कैपिटल अकाउंट में नहीं रखते हैं क्योंकि ये बेसिकली बिजनेस बढ़ा रहा होता है, बिजनेस को करा रहा होता है, एक तरीके से कह लीजिए कि फंसा के रखा रहता है। कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया के बारे में बात करें तो देखिए करंट अकाउंट टुडे इज फुल्ली कन्वर्टिबल, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया और ये 1994 ऑनवर्ड्स है। बट इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया इज स्टिल फॉलोइंग पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, बिकॉज क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है। हालांकि समय के साथ कमेटीज बनाई गई और उसमें एक तारापुर कमेटी थी और इस तारापुर कमेटी ने बोला कि हमें कैपिटल अकाउंट को भी फुल्ली कन्वर्टिबल कर देना चाहिए, लेकिन ये कन्वर्टिबल करना चाहिए हमें तुरंत नहीं, हमें करना होगा इसके पार्शियल फेजेस में, फेज टू फेज, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, और विद इन 5 years वी हैव टू मेक दिस कैपिटल अकाउंट इन फुल्ली कन्वर्टिबल मैनर, फुल्ली कन्वर्टिबल कर देना होगा। एडवांटेज के बारे में वही है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आता जाएगा, FII फ्लो कर जाएगी तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स हो जाएंगे, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन आ जाएंगी। तो ये सब चीजें ऑलरेडी आप लोगों ने समझ ली होंगी तो काफी आपको आसानी लग रही होगी क्या चीज है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड कन्वर्टिबिलिटी, क्लियर भी हो गया कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है। अब जरा हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में आ जाते हैं फटाफट, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये 5 to 10 minutes में हम लोग फिनिश कर लेंगे। देखिए पहले है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। क्या चीज होती है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी? का मतलब होता है एक तरीके से बेल आउट पैकेज।
दिस इज बेसिकली बेल आउट पैकेज। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके कंट्री में पैसा नहीं है, डॉलर्स नहीं है, अब क्या होगा, लोन लेंगे ऑब्वियसली, किससे, IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से। इसी को बोला जाता है एक्सटेंडेड ट्रेड फैसिलिटी। बाहर से जब कोई चीज आ रही होती है, जैसे इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय IMF टू इट्स मेंबर कंट्रीज विच ऑथराइजेस देम टू रेज एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट टू फुलफिल देयर BOP क्राइसिस बट ऑन द अदर कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द इकोनॉमी पुट बाय द बॉडी। It is the first agreement of its kind. India had signed this agreement in 1991-1992. Clear हो गया क्या चीज है? Extended trade fund facility आसान सी चीज थी। Hard currency का मतलब क्या है? Hard currency का मतलब नाम से ही पता चल रहा है। This is something charming. होता क्या है? Any global traded currency which has global demand, liquid adequate supply and stable, जो कि fluctuate नहीं करता है। अब इसमें कहूंगा कि P5 countries हैं, उनकी economy कभी भी fluctuate नहीं करती है। जैसे dollar हो गया, हार्ड करेंसी में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेडेड है, ग्लोबल डिमांडेड है। इसके अलावा पाउंड, यूके की करेंसी, ये भी ग्लोबल डिमांड है इसकी, स्टेबल है करेंसी, ठीक है। इसके अलावा बाकी की जो कंट्री करेंसीज हो गई, जैसे यूरो हो गया, ये भी डिमांडेड है, लिक्विड है, स्टेबल बना हुआ है। तो दीज आर द मेन करेंसीज जो कि वर्ल्ड वाइड चल रही होती है, वर्ल्ड वाइड काम कर रही होती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा चार्मिंग है ये डॉलर। तो बेसिकली इसको ही हम लोग बोलते हैं कि दिस इज हार्ड करेंसी, जो बहुत ज्यादा ही डिमांड में बनी रहती है। आगे होती है सॉफ्ट करेंसी, जो अपोजिट ऑफ दिस होती है, लगातार हमेशा इसका उल्टा, जो स्टेबल है तो अनस्टेबल रहेगी, ये ग्लोबल डिमांड है तो बिल्कुल डिमांड नहीं रहेगी, तो एक तरीके की सॉफ्ट करेंसी। तो वर्ल्ड में मैक्सिमम करेंसी सॉफ्ट करेंसी रहेंगी, जो लेना कोई नहीं चाहता है। आगे होती है हॉट करेंसी, हॉट करेंसी का मतलब जो बहुत ज्यादा टेम्पर सह रही हो, टेम्पर मतलब हॉट करेंसी इज अ टर्म ऑफ फॉरेक्स मार्केट एंड इज अ टेम्पररी नेम फॉर एनी हार्ड करेंसी। टेम्पर जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग बन रही हो, जैसे हो सकता है कभी डॉलर बन रही हो सकता है कभी चाइनीज रेनमिनबी बन रही हो सकता है कि आगे जाकर के आसियान अपनी एक नई करेंसी निकाल दे और आसियान की करेंसी को लोग चार्मिंग बना ले, जैसे यूरो बनती है, यूरो ने अपना एक एग्रीमेंट मैसेज एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था और उसके बाद से यूरो दे दिया गया था लोगों को, मतलब कंट्रीज को, जो यूरोपियन के हैं कंट्रीज वो सबको दे दिया गया था, तो उसमें यूरो काफी ज्यादा चार्मिंग बन गया था, तो वो हॉट करेंसी में बदल गई थी। हीटेड करेंसी क्या है? हीटेड करेंसी जब कोई बहुत ज्यादा हीट सह रही हो, हीट क्यों सहेगी, क्योंकि सीधी सी बात है जब उसको किसी प्रकार का प्रेशर पड़ रहा होगा। तो अ टर्म यूज्ड इन फॉरेक्स मार्केट टू डिनोट द डोमेस्टिक करेंसी व्हिच इज अंडर एनफ प्रेशर ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यू टू हार्ड करेंसीज हाई टेंडेंसी ऑफ एक्साइटिंग द इकोनॉमी। तो इस तरीके से चीजें हो जाती है हीट करेंसी। चीप करेंसी क्या होती है? इफ ए गवर्नमेंट स्टार्ट रीपर्चेसिंग इट्स बॉन्ड बिफोर देयर मैच्योरिटी द मनी विच फ्लोज इन टू द इकॉनमी इज नोन एज चीप करेंसी, इज कॉल्ड एज चीप मनी, ठीक है। जब बाकी बॉन्ड वगैरह अपने पास वापस मंगाना शुरू कर देती है, तो ये तो काफी आसान है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। डियर करेंसी का मतलब क्या है? व्हेन अ गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड एंड द मनी विच फ्लोज फ्रॉम द पब्लिक टू द गवर्नमेंट और द मनी, इट इज कॉल्ड एज डियर इकॉनमी। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर ये मान लेते हैं कि व्यक्ति है और ये गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट इस व्यक्ति से वापस अपना बॉन्ड लेना शुरू कर दे, मतलब अपना पैसा वापस ले ले, तो इसको बोला जाएगा कि ये एक चीप करेंसी में बदल जाएगा, और जब उल्टा होगा, बॉन्ड जारी कर देगा, तो ये डियर करेंसी बदल जाएगा। छोटे छोटे टर्म है, इसका उतना कोई यूज नहीं है। रियल वैल्यू ऑफ रूपी, इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया। एक्सचेंज रेट, नेट कैपिटल इनफ्लोज हो गई, परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी हो गई, फॉरेक्स रिजर्व हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई। तो बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर एक्सचेंज रेट डिपेंड कर रहा होता है। क्लियर क्या चीज है? चलिए एक एक को अगर डिस्कस भी करना होगा तो मैं छोटा छोटा आइडिया दे देता हूं। जैसे डिमांड एंड सप्लाई, ये तो ऑलरेडी आप समझ गए हैं क्या चीज है, कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेट कैपिटल इनफ्लो का मतलब क्या है? नेट कैपिटल इनफ्लो का मतलब होता है कि FDI या FII कैसे आ रही है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द टैक्स स्ट्रक्चर। मान लीजिए हर रोज आपका टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता रह रहा है, हर रोज आप नया कोई ना कोई चेंज लेकर के आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर ऑब्वियसली इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि यार पता नहीं कल को क्या हो जाए। जैसे इंडिया में वोडाफोन का जो केस हुआ था, जहां पर इन्होंने रिग्रेसिव टैक्स लगा दिया था और रिपरकशंस के साथ लगाया था, तो वो एक दिक्कत थी ये, जो अपने एक्स पोस्ट फैक्टो का इन्होंने मिसयूज किया, इसी वजह से इन्वेस्टर आने से डरते हैं। तो एक तो ये हो गया केस, दूसरी ये परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी। अगर मान लीजिए इकॉनमी इस समय, मान लीजिए GDP लगातार गिरते आ रही है, तो ऑब्वियसली ये लेस चार्मिंग है, मार्केट जनरेट नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग नहीं पा रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो इन्वेस्टर क्यों आएंगे?
इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट की वैल्यू घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू सही, मतलब कि डॉलर्स आ नहीं पा रहे हैं, तो दिक्कत वाला काम है। तो अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई पे ही सारा कुछ डिपेंड कर जा रहा होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तो आप समझ ही गए हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट की मतलब आपकी इंटरेस्ट कितनी आ रही है। अगर वो अच्छी है देन इट इज गुड, इट इज गुड मतलब कि डॉलर्स आ रहे हैं, नाउ योर करेंसी विल बी एप्रिशिएटेड। इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बेसिकली मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं से इन्वेस्टर्स बेसिकली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अगर स्टेबिलिटी अच्छी खासी है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर बात करते हैं मारुति का केस, मारुति ने वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा प्लांट लिया, सब कुछ लिया, बट गवर्नमेंट वॉज नॉट इन फेवर टू एस्टैब्लिश दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वहां से मारुति हट करके चली गई गुजरात में। क्यों? क्योंकि फेवरेबल वहां पर मिल गया उसको। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें होती हैं। तो हम लोगों ने स्टेट के बारे में बात किया, कंट्री में भी सेम इसी तरीके की चीजें होती हैं। आपने गौर किया होगा कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड होती है वो इंडिया में ना होकर के सिंगापुर में या फिर मलेशिया या फिर मॉरिशस, मालदीव, इन जगहों पे होती है। क्यों? क्योंकि टैक्स यहां पर टैक्स हेवन है, टैक्स नहीं देना पड़ता है या फिर बहुत कम देना पड़ता है, और वही इंडिया के केस में बहुत ज्यादा देना पड़ जाता है। तो ये सब तरीके होते हैं एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड हो रहा है। अब जैसे कोविड का केस है, कोविड के केस में ऑब्वियसली क्या क्या चीजें, नेट कैपिटल इनफ्लो नहीं आ पा रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी नहीं हो पा रही है, फॉरेक्स रिजर्व ये तो जो पड़ा है सो पड़ा है, इंटरेस्ट रेट अगेन ये भी हमारी इंपैक्ट हो गई है, करंट अकाउंट डेफिसिट इंपैक्ट हो गया है, इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कमोडिटी ये भी बढ़ गया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये तो खैर हमारे यहाँ बहुत तगड़ा ही बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे पास देख रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण से एक्सचेंज रेट की वैल्यू डिप्रिशिएट अभी और कर सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी इज देयर कि एक्सचेंज रेट हमारी डिवैल्यूएट कर सकती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? इसीलिए इस कोविड के केस में हमें करना क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट हमें अपना घटाना होगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की ओर फोकस करना पड़ेगा, और वो भी कहां, एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि हम लोग इसी के धनी हैं। एमएसएमई सेक्टर में, क्यों? क्योंकि हम लोग इसी के धनी भी हैं, और दिस इज अट्रैक्टिव गुड जो इंटरनेशनल मार्केट में अट्रैक्शन काफी ज्यादा खींच रहा है अपना। तो हमें बेसिकली इन दोनों पे काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे देखिए, फॉरेक्स रिजर्व, तो आरबीआई होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच आर मेड अप ऑफ फॉरेन करेंसी, बैंक डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड रिजर्व, एसडीआर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ की करेंसी को एसडीआर बोलते हैं, वर्चुअल करेंसी होती है। बात करेंगे हम लोग जब आईएमएफ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या चीज है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद है कैपिटल कंट्रोल। कैपिटल कंट्रोल का मतलब क्या है? एनी मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक टू लिमिट द फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन एंड आउट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में बात किया था, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इसमें हुआ क्या था, हमने यहां पर फेमा एक्ट लगा दिया है। फेमा के बारे में मैंने आप लोगों को बोला नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्या चीज है, सेपरेट वीडियो में, आज शाम तक ही आपको मिल जाएगी फेमा पे। अब देखिए, फेमा पे रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगाने का दूसरा भी ऑप्शन है टैक्स लगा दीजिए। टैक्स से आपको दो फायदा, पहला फुल कन्वर्टिबल आप कर ही नहीं पाएंगे, और दूसरी चीज आपको एडिशनल इनकम मिलना शुरू हो गया। इस टैक्स को ही बोला जाता है टॉबिन टैक्स, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, और मैंने वहां पे बताया था कि देखिए एक्सचेंज रेट में इस तरीके की टैक्स लगाई जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? या क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो कि हमें फेमा एक्ट में देखने को मिलेगा कि वहां पर 25,000 30,000 इस तरीके से ही केवल और केवल कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी होती है बेगा दे नेबर पॉलिसी, जैसे चाइना करता है। इसमें क्या होती है, व्हेन अ कंट्री डैमेज इट्स कंपटीटर थ्रू अ वीक करेंसी, करेंसी को आप अपनी वीक कर दीजिए जिससे कि आसपास के जितने भी नेबर हैं वो आपका प्रोड्यूस या आपसे कोई कंपैरिजन रख ही ना पाए मार्केट में। जैसे रबर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, हमारा रबर इंडिया का रबर सस्ता था लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट हमारी गड़बड़ है। और वही जो हमारा चाइना का रबर है वो डबल रेट का था लेकिन वो एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो हमारे रेट का आधा हो गया, अट्रैक्टिव बन गया। वीक करेंसी, दिस इज चीपेंस द रेट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट मेकिंग देम मोर अट्रैक्टिव टू इंटरनेशनल बायर्स। तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो खैर, सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होती है, एक फंड बना के रखा जाता है फॉरेन करेंसी का जो इन्वेस्ट किया जाता है बाकी के जो भी शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए या बॉन्ड हो गए या किसी अन्य चीजों में, इसी को बोलते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड। एक तरीके से कह लीजिए एक अलग तरीके का अकाउंट जो केवल और केवल फॉरेन करेंसी में ही रखा जाएगा। ठीक है,
इफ डाइवर्सिफाई द इनकम सिक्योर एक्सटर्नल अकाउंट, ये सब तो चलिए खैर। इसके बाद है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ए रूपी, इसका मतलब क्या है, अ करेंसी यूज्ड बाय अदर कंट्री बैंक फर्म सिटीजन एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। डिग्री ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन डिपेंड ऑन ट्रेडेड एक्टिवली लिक्विड और स्टेबल, जैसे कि यूरो या फिर डॉलर या फिर येन पाउंड रेनमी, ये सब चीजें तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ए रूपी हो जा रही होती है, जहां पर रुपए के साथ साथ आप अलग करेंसी भी अपनी रखना शुरू कर देते हैं। जैसे नेपाल में आप जाएंगे, नेपाल में नेपाली जो रुपया है वो भी रखा जाता है और इंडियन रुपीज भी रखे रहते हैं, तो वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी हो जा रही होती है। तो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट दिस टूडेज लेक्चर। हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कई सारी चीजें और, जैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिलहाल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है, जितने भी तरीके की होती है, फिर हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ फॉरेन कह लीजिए कि इन्वेस्ट फॉरेन पॉलिसीज है और WTO वगैरह हो गए, WTO के नॉर्म्स है, WTO के क्या क्या केसेस हुए हैं, फिर हम लोग कहेंगे कि इंटरनेशनल टैक्सेशन हम लोग कैसे करते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, तो ये सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल टुडे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिस्टम। अगर आपको कोई डाउट होता है, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फटाफट कंप्लीट करिए सारे के सारे चैप्टर। मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।